डेटाबेस सिस्टम्स में हम लोग पहले एसक्यूएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था कि एसक्यूएल क्या चीज होती है और एसक्यूएल का इस्तेमाल क्या किया जाता है, इस लैंग्वेज को डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एसक्यूएल की कौन कौन सी टाइप्स हैं और DDL, DML, DCL और TCL को हम लोगों ने फर्दर देखा था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमारा जो कंसर्न एरिया है वो DDL और DML पे होगा इस कोर्स के अंदर, DCL और TCL को नहीं देखा जाता। BSIT आगे जाके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में बाकी जो दो टाइप्स हैं एसक्यूएल की उसको डिस्कस करेगी, लेकिन अभी तक हमारा जो कंसर्न है वो डेटाबेस सिस्टम में DML और DDL इन दोनों चीजों का होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अगर हमने एक टेबल को क्रिएट करना है तो उस टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है। हम लोगों ने देखा कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज के अंदर होता है। तो एसक्यूएल में प्रेफरेबली क्या किया जाता है कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, उनको कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएट और टेबल, ये हमारे पास कैपिटल में है, इट मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इसके बाद जो यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं, यूजर के अपने वर्ड्स होंगे, वो तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल में लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ये डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स भी रिजर्व वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज की, तो हम लोग इनको कैपिटल के अंदर लिखेंगे वगैरह वगैरह। याद रहे कि जरूरी नहीं है कि आप रिजर्व वर्ड्स को कैपिटल में लिखें, इनको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स रिजर्व्ड हैं और कौन कौन से वर्ड्स यूजर डिफाइंड हैं। अगर आप क्वेरी के अंदर तमाम चीजों को स्मॉल भी लिखते हैं तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो स्टूडेंट है उसको पता है एसक्यूएल के बारे में और इसने जो वर्ड्स लिखे हैं इसको आइडिया है कि एसक्यूएल के रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसको इसने कैपिटल में लिखा है। इसके अलावा जो स्मॉल में लिखे गए हैं वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जीक्यूशन पे बिल्कुल भी इसका कोई असर नहीं होता, आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें आपकी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सबसे पहले अगर एक टेबल को हम लोग ने क्रिएट करना है तो हम लोग एक कस्टमर का टेबल बना रहे हैं जी। इसमें जो क्वेरी लिखी जाएगी इसका एक सिंपल सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल, ठीक है। इसके बाद आपने टेबल का कोई भी नेम देना होता है, टेबल नेम दे दिया। इसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी होती हैं और इन ब्रैकेट्स में आपने वन बाय वन कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नेम्स लिखने होते हैं या उन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज को लिखना। वो कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आती है कि उस टेबल की कोई प्राइमरी की है, कोई आईडी है, उसका नेम लिखा कॉलम का या एट्रीब्यूट का। फॉर एग्जांपल चलें फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम स्पेस इसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके पास टेक्स्ट है, डेटा टाइप आपके पास वारचार है, अगर आपके पास डेटा टाइप इंट है, जो भी डेटा टाइप है आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करना चाह रहा हूँ या VAR CHAR वारचार डेटा टाइप का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मुझे लेंथ को स्पेसिफाई करना, यानी कि मेरी जो इस डेटा टाइप की लेंथ होगी या फर्स्ट नेम में जो वैल्यूज अलाउड होंगी इतने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 20 लेंथ की एक स्ट्रिंग इसके अंदर आ सके, तो मैंने लिख दिया कि 20 कैरेक्टर्स इसके अंदर अलाउड है। नेक्स्ट कॉमा लगाया और इसके बाद मैंने नेक्स्ट एट्रीब्यूट को लिखना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम
लास्ट नेम, इसके बाद डेटा टाइप भी, जो भी डेटा टाइप है, ब्रैकेट में मैंने इसकी लेंथ दे दी, लेट्स से कि 15 इसकी मैंने लेंथ प्रोवाइड। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रोल नंबर, फॉर एग्जांपल रोल नंबर इंटीजर, सॉरी ये कैपिटल में आएगा, स्मॉल में भी है डजंट मैटर, लेकिन इंप्रेशन अच्छा होगा। 5 इंटीजर्स अलाउड हैं और दैट्स इट। मैं इतना इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, एंड पे बात को खत्म करने के लिए जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है, मैं यहाँ पे टर्मिनेटर का इस्तेमाल करूँ, तो मेरी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। याद रहे कि यहाँ पे टर्मिनेटर आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई असर नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं आता, लेकिन आपकी क्वेरी का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक जनरल सिंटैक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको देख लिया, इसके बाद जो अगला सिंटैक्स है हमारे पास वो क्या है, हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल कस्टमर अंडरस्कोर टी, ये मैंने नॉर्मली एक टेबल को रन करने के लिए, ये टी जो है वो टेबल को रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो कस्टमर अंडरस्कोर टी मैंने लिखा, टेबल का नाम आ गया, ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे एंड हो रही है। इसमें कस्टमर आईडी एक एट्रीब्यूट है और उसकी डेटा टाइप नंबर। सिमिलरली इसकी लेंथ मैंने 11.0 दी है। 11.0 means कि इसमें 11 digits होंगे और point के बाद कोई भी number allowed नहीं होगा। Sometimes आपके पास होता है ना numbers में decimal values allowed होती हैं, decimal के बाद कितनी values allowed हो, कितने decimal places allowed हो, 0.1 होना चाहिए, 0.2 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, 0.10 होना चाहिए, तो इसके बाद जो भी आपने numbers लिखने होंगे वो यहाँ पे। It means कि आपके पास 11 digits allowed है और उसके बाद point के बाद कोई भी digit allowed नहीं होगा, यानी कि आपके पास totally integers की handling हो रही है। इस चीज से बचने के लिए आप directly int भी लिख सकते हैं integer के लिए, ठीक है। इसके बाद comma लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और rule given है, not null। Not null, null means कि इन values को नल वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, ये एक कंस्ट्रेंट या एक रूल हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर। इसके बाद कॉमा लगाया, कस्टमर नेम वारचार 25 इसकी लेंथ है, इसके बाद कॉमा लगा दें, कस्टमर एड्रेस वारचार 30, कस्टमर सिटी वारचार 20, कस्टमर स्टेट वारचार 2, कस्टमर पोस्टल कोड वारचार 9 and so on। अच्छा, ये वारचार 2 क्या है, कुछ डेटाबेसेस जो है वो वारचार, सिंपल वारचार को सपोर्ट करती हैं और कुछ डेटाबेसेस वारचार 2 को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, इसको रहने दें, आप सेमीकोलन लगाएंगे तो आपकी जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है वो हम लोग क्लास में कर लेते हैं अभी, वन बाय वन आप लोग अपनी चैट में एक क्वेरी लिखेंगे और मुझे उस क्वेरी को लिख के दिखाएंगे, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ। मेरी जो क्वेरी है वो ये है कि आपने एक टेबल बनाना है, उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, ठीक है। उस स्टूडेंट का आप फर्स्ट नेम लेंगे विद वारचार, उस स्टूडेंट का आप लास्ट नेम लेंगे वारचा डेटा टाइप के साथ, इसके अलावा आप उस स्टूडेंट की प्रोग्राम लेंगे, प्रोग्राम वारचार के साथ, सॉरी। सिमिलरली आप उसको कि उसका स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे इंटीजर, उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इंटीजर, और लास्ट में
उस स्टूडेंट का कोई सिटी होगी, ठीक, और उसको टेक्स्ट डेटा टाइप में आपने यूज करना है। सो एक क्वेरी आप लिखें चैट में, उस टेबल का नाम स्टूडेंट होगा, उसके ये एट्रीब्यूट होंगे और डेटा टाइप होंगी, इनकी सूटेबल लेंथ आप अपनी मर्जी से दें, जल्दी से क्वेरी लिखें ताकि इसको हम लोग आगे प्रोसीड कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेबल को क्रिएट करना है, एक और इसी की एक एग्जांपल गिवन है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि टेबल का नाम ऑर्डर टेबल रखा है, ऑर्डर टी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर टी लगाएं, आप अपने टेबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो कन्वेंशन है वो वैसे ही होगी जैसे आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेसेस नहीं होती, जैसे वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेसेस नहीं होती वैसे ही आपको टेबल्स के नाम भी रखने पड़ेंगे। आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरकैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जिसको कैमल केसिंग कहा जाता है, सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं। सो क्रिएट टेबल, ऑर्डर टेबल, ऑर्डर आईडी नंबर 110, ऑर्डर डेट, डेट इसकी डेटा टाइप है, कस्टमर आईडी नंबर 110 इसकी हम लोगों ने कस्टमर आईडी दी। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे हमारे पास पिछली स्लाइड के अंदर भी थे, हमें इन टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें से किसी एक एट्रीब्यूट को सेट करना होता है एज प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है वो ये कस्टमर आईडी है, इसको हम लोग सेट करेंगे एज अ प्राइमरी की। तो उसके लिए टेबल क्रिएशन के वक्त हमें कंस्ट्रेंट लिखना पड़ता है, कंस्ट्रेंट मींस कि आप डेटाबेस के रूल्स डिफाइन करें। कंस्ट्रेंट कस्टमर अंडरस्कोर प्राइमरी की, इस प्राइमरी की इस कंस्ट्रेंट का आपने नाम रखा, ठीक है, प्राइमरी की ये रिजर्व वर्ड है, और ब्रैकेट में आपने इस टेबल के उस एट्रीब्यूट को मेंशन करना है जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। दोबारा से देखें, हम लोगों ने क्या किया कि टेबल की क्रिएशन के वक्त ये ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम लोग एक कंस्ट्रेंट सेट करने लगे हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट सेट करने लगे। हम लोगों ने रिजर्व वर्ड लिखा कंस्ट्रेंट स्पेस, कंस्ट्रेंट का कोई भी नाम, उस रूल का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी की, इन दोनों के दरमियान में स्पेस है और ये कैपिटल है, इट मींस कि ये रिजर्व वर्ड है, और ब्रैकेट में हम लोगों ने मेंशन किया उस कॉलम को या उस एट्रीब्यूट को जिसको हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। कंस्ट्रेंट कस्टमर प्राइमरी की, प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर कस्टमर आईडी, इट मींस कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ये जो कस्टमर आईडी है ये प्राइमरी की बन जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसमें भी कंस्ट्रेंड ऑर्डर पी के कोई भी प्राइमरी की लिख दी हम लोगों ने, इस कंस्ट्रेंड का नाम लिख दिया, प्राइमरी की रिजर्व वर्ड लिखा और ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी मींस कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है, फर्स्ट एट्रीब्यूट, ये क्या बन जाएगा जी, ये प्राइमरी की बन जाएगा। दैट्स इट, हम लोग नीचे वाली क्वेरी को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आपकी डेटाबेस की इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। रेफरेंसेस की हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रुक के, अभी मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, अभी सिर्फ मैं एक सिंपल टेबल क्रिएशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को हम लोग थोड़ा सा रुक के देखेंगे जब हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग टेबल को कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको डिफाइन। ठीक है, ये वाली स्लाइड्स में कुछ टाइम के लिए स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद जब ये एंड हो जाएगा तो हम लोग दोबारा से इस तरह। ओके, हम लोग डीडीएल को व्यू करना चाह रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं, एक टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्यूज क्या चीज होते हैं, ये प्री डिफाइंड कुछ क्वेरीज होती हैं जिनको हम लोग सेट कर सकते हैं ताकि हम लोग उनकी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेरी लगाता हूँ डेटाबेस में, टेबल एक मैंने क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद उस टेबल के जो डाटा है उसकी कुछ रिपोर्ट्स मैं निकालना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एम्प्लॉय आई डी है, एम्प्लॉय सैलरी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि
एम्प्लॉयज की सैलरीज मैंने चेक करनी है कि हर एम्प्लॉय की कितनी कितनी सैलरी। तो एक रिपोर्ट हुई है, एक क्वेरी हुई डेटाबेस से, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे DML का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे एक व्यू क्रिएट करवाना पड़ेगा ताकि मैं उस क्वेरी को देख सकूँ, रिजल्ट देख सकूँ, रिपोर्ट देख सकूँ। बार बार एक चीज को मैं बजाय इसके कि मैं क्वेरी लिखता रहा हूँ, उस पूरी की पूरी क्वेरी को मैं एक व्यू के अंदर स्टोर करवा दूंगा, और उस व्यू को मैं हर बार जैसे ही ओपन किया करूंगा तो मुझे मेरी क्वेरी टाइप नहीं करनी पड़ेगी कमांड लाइन पे, उस व्यू को मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। ये कैसे होता है, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो कवर। ओके, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो जो कस्टमर वाला टेबल है उस को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने लिख लिए थे। अब अगर आपने टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है तो आप इस क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम, उसकी वैल्यूज। अगर इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं इसका जनरल सिंटेक्स लिख के आपको बताऊं तो वो सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इसका हमें आइडिया है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसमें डेटा इंसर्ट करवाने, इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम, कस्टमर, या सिंपली हम ना कहते हैं टेबल नेम, जो भी टेबल नेम होगा, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देना स्टार्ट कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि मेरे जो भी कॉलम्स होंगे उनमें वन बाय वन वो डाटा एंटर होता जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेबल है स्टूडेंट का टेबल है जी, और उस स्टूडेंट के टेबल में एक रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का नेम है, और स्टूडेंट की क्लास है। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे स्टूडेंट के टेबल के अंदर। तो अगर मैं स्टूडेंट के टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 12 अली, BSIT। अब देखें अगर मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करूं तो 12 क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली रोल नंबर का हिस्सा बन गया, अली जो है वो स्टूडेंट का नेम है, और BSIT स्टूडेंट की क्लास है। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि किस एट्रीब्यूट में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मैंने इस सीक्वेंस को याद रखा कि रोल नंबर है पहले, फिर उसके बाद नेम है, फिर उसके बाद उसकी स्टूडेंट की क्लास है। तो इसी तरह इसी सीक्वेंस से मैंने डेटा को इंसर्ट करवा। नेक्स्ट, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप स्पेसिफाई भी करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम में ये वाली वैल्यूज एंटर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट हैं वो भी लिख सकते हैं, रोल नंबर, नेम, और उसकी ये वैल्यूज। ये अंडरस्टूड है कि जो भी फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगी, जो सेकंड एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू सेकंड वैल्यू होगी, जो थर्ड एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू थर्ड एट्रीब्यूट। यहां तक बात क्लियर है, समझ आ गई सबको? यस सर। फाइन, अगर इस चीज की आपको समझ आ गई है, इसका आइडिया हो गया है, तो एक और चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लिमिटेड डाटा रखना चाह रहे हैं, हम लोग इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लास है वो उसमें ऑप्शनल है कि आप वैल्यूज इंसर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो मैं ऐसे इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर मैं रोल नंबर 12 और अली का डाटा इनपुट करता हूँ तो उस कंप्लीट रो का जो रिजल्ट निकलेगा, रो में जो डाटा इनपुट होगा वो सिर्फ रोल नंबर 12 एंड अली डाटा इंसर्ट होगा, जो
क्लास है वो नल वैल्यूज सेट हो जाए। ठीक है, ये हमारे जो डाटा इंसर्शन है वो कुछ इस तरह से। लेट्स से कि मैं अपने टेबल में सिंगल क्वेरी में, लेट्स से चले मुझे जो असाइनमेंट होगी मैं आपको दूंगा, उसमें कुछ आपको सिनेरियो दूंगा और उसको सॉल्व आपने करना है, उसकी एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रीरिक्विजिट ये है कि आज की क्लास आपने ली हुई हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या डेटा इंसर्ट करना है अपने टेबल के अंदर और कैसे कैसे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये सिंगल कोट मैंने अली के साथ लगाई है और ये 12 के साथ मैंने सिंगल कोटेशन इस्तेमाल नहीं की, आइडिया है ये क्यों किया मैंने? ये सिंगल कोटेशन जो है वो मैंने अली के साथ लगाई हुई है, लेकिन इस नंबर के साथ सिंगल कोटेशन नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ आता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो भी नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स होंगे उनके साथ मुझे सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और न्यूमेरिक लिटरल्स जो भी मैं इस्तेमाल करूंगा उसमें सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास लिखता हूँ या प्रोग्राम लिखता हूँ, जो भी एट्रीब्यूट है, इसमें मुझे डिपेंडिंग ऑन डेटा टाइप मुझे इन वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेट्स से कि मैं एक ही क्वेरी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहूँ, बहुत आसान काम है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैं देना स्टार्ट करूँ। 13 कॉमा अहमद कॉमा बी एस सी एस कॉमा 14 अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं करवा सकता हूँ। जैसे ही इस कंप्लीट क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके रिजल्ट में 3 रोज स्टूडेंट के टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। कौन कौन सी? रोल नंबर 12 वाली ये तमाम वैल्यूज, रोल नंबर 13 वाली ये तमाम वैल्यूज और रोल नंबर 14 वाली ये तमाम वैल्यूज, ये 3 रोज इंसर्ट हो जाएंगी। ओके, व्हाट इफ मैं एक और डेटा इंसर्ट करने लगा हूं कुछ इस तरह, तो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जी? क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? यस सर, हो जाएगी। कैसे? हम लोगों ने बात की है कि डेटाबेस में अगर हम लोग प्राइमरी कीज सेट कर देते हैं तो प्राइमरी की के दो रूल्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उनका नल नहीं होना चाहिए, वो खाली नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि उसके अंदर रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग प्राइमरी की रोल नंबर में रेपिटेशन कर रहे हैं। कैसे? कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है प्राइमरी की? 14। एग्जैक्टली, जो 14 है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी माइनर चेंजेस कर दें, 14 की जगह अगर 15 कर देते हैं, फिर ये वाला डाटा इंसर्ट हो सकेगा। अगर सेम डाटा आप इंसर्ट करवाते हैं प्राइमरी की के साथ जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड होगा, उसको आप री इंसर्ट नहीं करवा सकते क्योंकि आप प्राइमरी की या डेटाबेस के रूल से हट रहे हैं। क्लियर है जी? टेबल क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस में और उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवा लेंगे। फाइन, लास्ट थिंग जो अभी डिस्कस करनी है हम लोगों ने वो ये है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यही स्टूडेंट वाला ही टेबल था और स्टूडेंट वाले टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट की क्लास है। लेट्स से कि मैं इस इंसर्टेड डाटा को, जो मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया, इसको मैं
रीड करना चाह रहा हूं, रीड के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो होती है सेलेक्ट। सेलेक्ट आगे आपने अपने कॉलम्स लिखने होते हैं या एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं। लेट्स से कि मैं स्टूडेंट के रोल नंबर नेम और क्लास को व्यू करना चाह रहा हूं, किस टेबल से जी? फ्रॉम ये जनाब मेरी क्वेरी है स्टूडेंट के टेबल में से रोल नंबर नेम और क्लास को देखने की। अभी हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ एम्बिग्युटी हो, कुछ मसले हो कि आपको समझ ना आ रही हो कि हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर रहे हैं और कैसे व्यू होगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेशन जैसे ही हमारा होगा तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा क्या आप डेटाबेस की जो क्वेरीज है उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग एक पीएचपी माय एडमिन का एक व्यू देख लेंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक मैं दूंगा जिसको आप इंस्टॉल करेंगे और ये तमाम डेटाबेस की क्वेरीज उसके अंदर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट। सो यहाँ तक समझ आ गई जी? अगर आप स्टूडेंट का रोल नंबर नेम और क्लास देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास फ्रॉम इस टेबल से स्टूडेंट वाले। ऐसे आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपके तमाम टेबल में जो भी स्टूडेंट्स का डाटा होगा वो दिखना स्टार्ट हो जाए। लेट्स से कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के रोल नंबर्स देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पूरे जो भी स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाए। अगर मैं ये कहता हूँ कि रोल नंबर के साथ साथ मुझे स्टूडेंट के नेम्स भी देखना चाहिए तो मैं ऐसे इसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट की क्लासेस दिखनी चाहिए तो मैं सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट का इस्तेमाल। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सपोज करते हैं कि मैं अपने टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स या तमाम कॉलम्स को देखना चाह रहा हूँ। अभी तो हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम्स हम लोगों ने ऐड किए। अगर आपके पास 20-15 या इससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, आपके माइंड में नहीं रहता कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे टेबल के अंदर हैं, तो बजाय इसके कि आप हर एट्रीब्यूट का नाम लिखें और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है और ये टाइम टेकिंग भी होगा, आप यहाँ पे एस्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल को। तो अगर इस क्वेरी को हम लोग रीड करें तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि रोल नंबर नेम और क्लास ये तमाम एट्रीब्यूट्स आपके टेबल के शो हो जाएंगे, जो भी इन एट्रीब्यूट से रिलेटेड डेटा होगा वो आपको दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। Anyone?